तो आज हमें जाना है जी डॉक्टर के पास, और बाबू अभी से ही रो रहा है, लेकिन घर में किसी को हिम्मत नहीं है कि बाबू को लेकर के जाए वैक्सीन लगवा ले। जिया तो कह रही थी हम नहीं जाएंगे, हमने मम्मी को भी कहा था चलने के लिए, लेकिन माँ को हिम्मत नहीं हुई जाने की। हमें तो एक सुई को लेकर के ही लग रहा था कि बाबू कैसे लेगा, और अब दो सुई उसको दिलवाना पड़ेगा। इतना कलेजा मजबूत है नहीं, देखते हैं कैसे दिलवाते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं दिन के 12, और हमारा हो गया है नहाना और हो गए सभी फ्रेश। हमारा जो बाबू है इसका भी नहाना हो चुका है, और यहाँ जो अभी खेलने के मोड में है तो इसको खेलने देते हैं। और यहाँ हमारा खाना लग गया है हमारा रोटिया का, तो यहाँ बगल में यहाँ खेलेगा और हम लोग खाते हैं वहाँ पर। और बीच में अगर शैतानी किया तो उठ के आना पड़ेगा इसको देखने के लिए। दादी भी इसकी पूजा कर रही है तो वो भी फ्री नहीं है। दादा गए हुए कोर्ट में, चाचा और चाची नीचे हैं। नीचे से आए तो देखिए कि एक पार्सल आया हुआ है, और यह पार्सल आया हुआ है हमारे दो नन्हे से प्यारे सब्सक्राइबर है जानू और प्रिंस। तो जिया खोल करके देख रही है कि आखिर इसके अंदर है क्या। कलर देख के इतना हमको प्यारा लग रहा है खोलने से पहले। अच्छा, कलर देख के प्यारा लग रहा है, खुलो था। इतना प्यारा कलर है ऊपर से। वाह, इतना प्यारा है। अभी ये फिट आएगा? कोई नहीं, कोई बड़ा होगा तो इस्तेमाल हो जाएगा। पूरा एकदम ठंड के लिए, गर्मी के लिए पूरा अच्छे से आया है। बहुत ही प्यारा है जानू प्रिंस, इतना सारा भेजी। वही तो, बहुत प्यारा है। और ये मिकी माउस, थैंक यू जानू प्रिंस जी, बहुत ही प्यारा है आपके ड्रेस। और इतने सारे ड्रेस भेजे हैं आपने, सच में इतनी की क्या जरूरत थी। ओ भाई साहब, मुझे लगता है ना हर मंथ एक एक ड्रेस मिलता है। अच्छा, और भी है? क्या ये चॉकलेट है क्या? हाँ, चॉकलेट है। किसेस मिल्क चॉकलेट, अच्छा आलमंड का है। और ये क्रियांश के लिए भर भर के भेजा है उन्होंने गिफ्ट, और सारा गिफ्ट बहुत प्यारा है। मुझे तो एक ऐसा नहीं है ड्रेस जो मुझे पसंद नहीं है, सारा ड्रेस मुझे बहुत। अब ये जिया खोल करके देख रही है किसमें क्या है। तो जिया से तो अनबॉक्स नहीं हो रहा था तो मैंने अनबॉक्स कर दिया है इसको। बहुत ही प्यारा सा ब्लैंकेट है ये। तो कितनी बार थैंक यू बोले जानू और प्रिंस से। हाँ, उनके मम्मी पापा को भी प्यारा सा गिफ्ट भेजने के लिए क्रियांश के लिए। बिल्कुल जी, तो थैंक यू जी आप सभी को, जानू और प्रिंस से और उनके मम्मी पापा को। बहुत ही प्यारा ड्रेस है, और मुझे लगता है कि एक भी ऐसा ड्रेस नहीं है जिसके बारे में कह सकते हैं कि हमें पसंद नहीं आया हुआ है। सारा ड्रेस काफी ज्यादा अच्छा है। तो जिया नाश्ते के लिए काट रही है जी पपीता, तो जल्दी से काटा जाए, भूख भी लगी है काफी तेज, और पपीता जो और भी मंगा लेंगे। The next day. यहाँ पर सभी पे उठ गए जी, हमारा क्रियांश भी उठ चुका है, देख सकते हैं मजे में यहाँ पर जो है अभी खेल रहा है ना क्रियांश। आपके स्माइल पर जो है कल फिदा थे सभी, कल के ब्लॉग में जो डाला था ना आपके स्माइल वाला वीडियो, तभी फिदा हो गए थे आपके, तभी कह रहे थे कितना क्यूट स्माइल है। अब क्रियांश कर रहे हैं कि गोदी में लो। और यहाँ पर देख रहे हैं जी मम्मी है किचन में, तो कुछ आज खास बन रहा है, क्या बन रहा है मम्मी? दाल फुला के कचरी बना रहे हैं। अच्छा, दाल फुला के उसको फुलौड़ी भी बोल सकता है, बड़ी भी बोल सकता है। जब से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी नहीं बनाते थे। अच्छा। तो सब तरह का चीज दिक्कत हो जाएगी, फिर भी आज बहुत दिन हो गया भगवान का नाम लेके आज बना रहे। कोई बात नहीं, तो जल्दी से निकले, हमको भी बेसब्री से इंतजार है एक आध पकौड़ी वो भी लेने का। जी, यहाँ हमारे गिलास में दूध भी लगा हुआ है, और बाबू जो है अपना दूध पी चुका, नहीं गिराएगा हाथ से पकड़े हुए। क्या देख रहा है? पंखा देख रहा है, ऊपर वाला पंखा देख रहा है, उधर रही पानी इधर का देगा। अच्छा, अब बाबू लग रहा है यहाँ पर रहते रहते थोड़ा सा उग चुका है, अब ये चाहता है कि गोद में रहे, लेकिन बाबू को गोद की आदत लग गई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी गोद की आदत थोड़ी कम हो जाए, ताकि थोड़ा हाथ पैर चलाए, हाथ पैर चलाएगा तो ग्रोथ भी थोड़ा ज्यादा होगा। ऐसा कहा जाता है कि गोद में जो बच्चा ज्यादा घूमता है उसका ग्रोथ जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। पता नहीं कितनी सच्चाई है इस दावे में, लेकिन अगर कहा है बड़े लोगों ने तो मानते हैं इस बात को हम लोग। बाबू, बाबू, क्रियांश, क्रियांश, ओ भाई साहब, अब ये गोद में आने के लिए बेचैन है, अब ले लिया है, आएगा गोद में बाबू? चलो गोद में ले लेते हैं तुमको। ओके, आ जाओ। A few moments later. राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। इधर देख सकते हैं दोनों बाप बेटे को, क्या चल रहा है जी? क्या चल रहा है? ये रो रहा था कुछ देर पहले, छाती पर लिए थोड़ा शांत हो गया, फिर स्टार्ट हो गया। हाँ, फिर वहाँ से खिसक के एकदम यहाँ तक आ गया। वाह, पैर का सपोर्ट, मेरा पेट को सपोर्ट बनाता है, उस पर पैर रख के एकदम आगे खिसकता है। अरे बुआ, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बोलो, पापा बहुत उठाए आपको, मॉर्निंग में नहीं उठे इसलिए अभी परेशान कर रहे हैं आपको। सुबह कितना उठाने की कोशिश की आपको, नहीं उठ पाए। हाँ, आपका अलमानी हो गया, इसका हो गया आपका अलमानी लेगा तो मेरा ये लिया
ये लिए लिए लो, आइए आइए। अरे कुछ नहीं, सुसु करना था इसको, सुसु कर दिया, कर दिया पेटे पे। हाँ पेट पे कर दिया। Two hours later. तो आज हमें जाना है जी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाने से पहले जो है बाबू हमारा तैयार हो रहा है, और बाबू अभी से ही रो रहा है। आज इसको लगना है वैक्सीन, तो वैक्सीन लगने के बाद तो उम्मीद है कि रोएगा जरूर, और उसके बाद जो है बाबू अभी से ही रो रहा है, तो उस समय कितना रोएगा। और आज जो जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो हमें तो हिम्मत नहीं हो रही थी, हम कह रहे थे कोई और चले जाओ, लेकिन घर में किसी को हिम्मत नहीं है कि बाबू को लेकर के जाए वैक्सीन लगवा ले। जिया तो कह रही थी हम नहीं जाएंगे, हम कह रहे हैं एक तो संभालने के लिए चाहिए ही कम से कम। तब उसके बाद जिया जा रही है साथ में, और देखते हैं। सभी लोग तैयार है जी, अब चल रहे हैं बाबू को लेकर के डॉक्टर के पास। हमने मम्मी को भी कहा था चलने के लिए, लेकिन माँ को हिम्मत नहीं हुई जाने की। तो जिया ढूंढ रही थी गाड़ी किधर है, हमका इधर है। तुम इस साइड बैठ जाओ ना, इस साइड जर्किन आएगा इस साइड। आज सोचे टोटो की सवारी कर, ठीक है चलिए भैया। और बाबू का भी जो है फर्स्ट राइड है टोटो से। इधर है दादी, बाय बाय कर रही है। A few moments later. तो फाइनली जी पहुंच गए हैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक। एक बार चाहते हैं कि उनसे एक बार विजिट हो जाए, बाबू को थोड़ा दिखवा ले, हाल समाचार जान ले, उसके बाद वैक्सीनेशन ले। मुझे वो तो कहें कि वैक्सीन आप चाहे तो लगवा सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार उनसे भी थोड़ी मुलाकात हो जाए। तो जिया यहाँ पर बाहर बैठी हुई है, बाबू भी इंतजार कर रहा है कब जाएगा डॉक्टर साहब के पास। अभी तक सोया है मजे में, अब उठ गया है। मिलना है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अंकल से मिलना है आप। फाइनली जी डॉक्टर साहब से तो दिखा लिया हमने, और उनसे जब मिले तो कुछ कुछ इसके सिम्टम थे, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है, तो उन्होंने बताया कि यह सब नॉर्मल है। चलिए सिम्टम आपको बता भी देता हूँ। इसका आदत क्या है कि यह हमेशा साइड की ओर देखेगा और पीछे की ओर देखने की कोशिश करेगा, और शरीर जो है एकदम करा कर लेगा उस टाइम। तो हाँ, कि जब वो पेट में गैस होता होगा तो अपने आप को टाँग लेता होगा गैस पास करने के लिए, ऐसा करके कुछ है। और दूसरा चीज क्या लगा था, इसकी जो पॉटी है जब तक खुद करता नहीं है, हम लोगों को यूज करना पड़ता है, फोम जैसा रहता है, तो इसके पॉटी के रास्ते में तब यह करता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी चलिए नॉर्मल बात है, कम से कम 3 महीना लेते हैं हम लोग किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर आने के लिए। अभी तो इसका मात्र 1.5 महीना हुआ है, और वेट सब कराया, सब कुछ नॉर्मल है। 1.5 महीने के अनुसार 5 किलो कितना 10 ग्राम था, इस तरह से था। तो उन्होंने कहा कि वेट तो अच्छा ही है, सब कुछ ठीक है, बाकी आप देखो 3 महीने तक, बाकी देखते हैं जो भी होगा। और इसका जो है वैक्सीन भी है, तो उसके लिए कहा कि हो सकता है फीवर आए 1-2 दिन तक रहे, तो फीवर के लिए उन्होंने कुछ टॉनिक दिया है, तो वो ले लेंगे नीचे से। तो चलते हैं, इसका वैक्सीन भी लगवा लेते हैं। जिया तो उधर बाबू को लेकर के बैठी हुई है, और मालूम चला कि 2 इंजेक्शन लगेगा, एक इंजेक्शन में 4 वैक्सीन जो है कंबाइन है और एक अलग है। तो हमें तो लग रहा था कि शायद एक ही इंजेक्शन लगेगा जिसमें सभी कंबाइन है, थोड़ी सी जो दिमागी स्थिति है थोड़ा सा असर पड़ा है उसके ऊपर। हमें तो एक सुई को लेकर के ही लग रहा था कि बाबू कैसे लेगा, और अब 2 सुई उसको दिलवाना पड़ेगा। इतना कलेजा मजबूत है नहीं, देखते हैं कैसे दिलवाते हैं। पहला वैक्सीन तो लग रहा है पता नहीं किस चीज का है, वहाँ पड़ चुका है, बाकी 2 इंजेक्शन बचा हुआ है। अभी बाबू इतना शांत है, ये वैक्सीन तो लग गया, मुझसे तो दिखा नहीं जा रहा था, जिया लगवा रही थी, और अभी ले रहे हैं दवा, तो दवा भी ले चुके हैं, बाकी चलेंगे घर अब। तो जी हम लोग डॉक्टर से दिखवा लिया, वहाँ तो वैक्सीन लग गया जी, और जब वैक्सीन लग रहा था तो जिया को हमने थमा दिया क्रियांश को, बहुत तेज तो जिया बहुत गुस्सा रही थी, बहुत अलग बनते हैं, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं थी मैं सामने से देख सकूं यह सब जी, और सोच रहा था कि एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करते हैं। और जब पहला वैक्सीन लगा वहाँ तो रिकॉर्ड कर लिया, रोया, दूसरा जब लगने लगा हमें कहा हमें इतनी हिम्मत नहीं है रिकॉर्ड करने की, भाई साहब वो लग रहा था कि हम ही रो देंगे इससे ज्यादा, ऐसा हाल था उस समय। तब उसके बाद चलिए वैक्सीन तो लग गया फाइनली, और अभी क्रियांश सो रहा है, और जो डॉक्टर ने बताया है कि फीवर चढ़ेगा, हो सकता है दर्द हो, रोए घर पे जा करके, लेकिन अभी तो फिलहाल सोया हुआ है, शुक्र है भगवान का, भगवान करे इसको फीवर वर कुछ नहीं आए, एकदम टनाटन पे। हाँ कुछ कुछ दवा सब तो लिखा हुआ है हर एक चीज के लिए, अगर प्रॉब्लम होगी तो ये सब देते हैं। हाँ कि जो जो प्रॉब्लम है उसके लिए। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं काली माता के मंदिर, जिस दिन ऑपरेशन होने वाला था उस दिन हम लोग गए थे यहाँ पर, तो उसके बाद जो है यहाँ पर नहीं जा पाए हम लोग दोबारा, तो आ जा रहे हैं माता रानी को धन्यवाद देने, कहे थे कि जब यह स्वस्थ हो, जब हमारा बेबी स्वस्थ आ जाएगा तो हम लोग फिर आएंगे, तो हम लोग जा रहे हैं जी, माता रानी ने हमारी बात सुन ली, तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर पहुँचने वाले। Thank you.
1 hour later. तो हम लोग आ गए जी डॉक्टर के पास से और हम लोग यहाँ पर बर्फ लेकर के बैठे हुए हैं। सोचे कि थोड़ा सा जो है बाबू को सेक देते हैं, लेकिन दादी जो है देखी कि रो रहा है बर्फ के सेकने से, तो दादी जो है लेकर के चली गई, कही कि नहीं ये रो रहा है तो नहीं करना है, तो क्या किया जाएगा बाकी देखा जाए। वैसे अभी तो सो रहा है दादी के साथ, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है, फूल भी गया है, थोड़ा सा फूल गया एक जगह, खड़े रह जाएंगे लेकिन इसको हम लेके चल जाएंगे ऊपर तब वहाँ सेकेंगे। A few moments later.